गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण कक्षा पांचवी। पाठ संख्या है बच्चों 17, पृष्ठ संख्या है 85 के, एंट्रेंस हमारा विषय है अपठित गद्यांश। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश के बारे में, अनसीन पैसेज। ओके, अपठित गद्यांश गद्य का एक ऐसा अंश होता है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। देखिए बच्चों क्या कहा गया है, अपठित गद्यांश जो है स्टूडेंट्स, एक गद्य का एक ऐसा अंश होता है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। ओके, जिसकी तैयारी हमने पहले से नहीं कर रखी हो, उसको हमने कभी नहीं पढ़ा हो, अचानक हमारे पास एक ऐसा विषय आता है जिसको हमें पढ़कर उसके प्रश्न का उत्तर हमें देना होता है। इससे सामान्य जानकारी एवं रचनात्मक में वृद्धि होती है। इससे भाषा में सुधार तथा स्वयं प्रश्न हल करने की क्षमता विकसित होती है। देखिए बच्चों, इसको करने से क्या होता है, हमारी जो भाषा होती है उसमें सुधार होता है तथा स्वयं प्रश्न हल करने की जो हमारी क्षमता होती है उसमें तरक्की होती है, उन्नति होती है, विकसित होती है। ओके बच्चों, इसमें रचनात्मक जो हमारी कार्य होती है उसमें भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वृद्धि होती है, ये बहुत अच्छी चीज होती है। ओके, अपठित गद्यांश हल करने से पूर्व ध्यान देने योग्य पाती। देखिए अपठित गद्यांश जो है वो हम करते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए, हमें वो चीज याद करना है, पढ़ना है, हम पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा, सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह समझना चाहिए। बच्चों देखिए, जो भी हमें गद्यांश दे रखा है उसे हमें ध्यान से एक दो बार ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए। देखिए बच्चों, जो भी गद्यांश की जो भी मुख्य इंपॉर्टेंट बातें होती है उसको आपको पेंसिल से क्या करना चाहिए, रेखांकित अंडरलाइन कर लेना चाहिए ताकि वो आपके ध्यान में रहे। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से अनेक सही विकल्प ढूंढने चाहिए। ओके, भाषा एवं व्याकरण के प्रश्नों को ध्यान पूर्वक एवं समझकर चुनना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होते हैं उनको ध्यान पूर्वक एवं समझकर हमें चुनना चाहिए। चलिए बच्चों, हम जो भी इसमें हमें क्या कहा गया है कि जो भी हम अपठित गद्यांश होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमें ध्यान से एक दो तीन बार पढ़कर अच्छे से उस चीज को समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या बातें कही गई है। उसके उपरांत स्टूडेंट्स उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके प्रश्नों के उत्तर हमें उसी गद्यांश में से ढूंढकर देने होते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न भी उसी में से होते हैं एंड उत्तर भी उनका उसी में होता है। ओके बच्चों, तो आपको अपठित गद्यांश करने से पहले इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड